Listen carefully. We are given, we are to prove that diagonal AC bisects angle C also. We are given that it bisects angle A. Since the diagonal AC, पहले method समझ लो क्या है वत्सल, stop talking now. AC जो है वो एंगल A को bisect कर रहे हैं. मीन्स एंगल वन और टू क्या है आपके इक्वल गिवन है. ए बी सी डी आपको क्या गिवन है, रोम्बस गिवन है, दैट इज अ काइंड रोम्बस प्रूफ करने पैरेललोग्राम गिवन है. अब ये पैरेललोग्राम है तो एंगल टू और फोर इक्वल होंगे, थ्री और वन इक्वल होंगे. तो इट मीन्स एंगल वन जो है वो आपका टू के इक्वल, ये आपको गिवन है. एंगल टू जो है दैट इज इक्वल टू फोर, तो इसका मतलब वन और फोर इक्वल हो गए. फोर जो है वो हमने थ्री के इक्वल प्रूव करना है. एंगल थ्री वन के इक्वल है, कौन से एंगल्स बन रहे हैं ये अब देखो. यहां से वन टू के इक्वल, टू फोर के इक्वल, वन थ्री के भी इक्वल. तो इट मीन्स चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए. चारों एंगल्स इक्वल हो गए मीन्स एंगल थ्री और फोर इक्वल हो गए, यानी कि ए सी बाइसेक्स एंगल सी ऑल्सो. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अब सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, दैट इट इज अ रोम्बस. रोम्बस के लिए हम क्या करेंगे, या तो ये वाला ट्राइंगल ले लो या नीचे वाला ले लो. हमने ए बी सी लिया, इसमें वी हैव शोन दैट एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री एंड वी नो दैट द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो इट मीन्स ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के. And if the adjacent sides of a parallelogram are equal, then it is a rhombus. Got it? Clear? इसको उससे बच्चे AB equal to CD आएगा और BC equal to AD आएगा. हमने sides adjacent sides equal show करनी है ना, ठीक है. चलिए write down proof. Angle 1 is equal to angle 2. This is given. ये हमने given में I think mention भी किया था AC bisects. ठीक है, angle 1 equal to angle 2. Now since ABCD is a parallelogram, therefore angle 1 is equal to angle 3. And angle 2 is equal to angle 4. Both are alternate interior angles. अब इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो. From equations 1, 2 and 3, angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4. यहां आप लिखेंगे सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो दिस इंप्लाइज ए सी बाइसेक्स एंगल सी. क्लियर? दिस इज अ पार्ट वन प्रूव. हाँ जी, शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? हमें गिवन है ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो इट मींस एंगल वन और टू आपके क्या हो गए, इक्वल. इसको हमने ले लिया इक्वेशन वन. उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ए डी और बी सी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल. तो एंगल वन और थ्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल. टू और फोर आर अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों इक्वल. अब यहां उसने कहा वन टू के इक्वल है, वन थ्री के इक्वल है, इट मींस वन टू थ्री इक्वल हो गए. यहां उसने कहा टू फोर के इक्वल है, इट मींस चारों एंगल्स आपके इक्वल हो गए. चारों एंगल्स में ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था, हमने ये पार्ट उठाना है कि हमने शो कर दिया एंगल थ्री और फोर इक्वल है. एंगल थ्री और फोर इक्वल है, इट मींस ए सी जो है दैट बाइसेक्ट्स एंगल सी. ठीक है, दिस इज योर पार्ट वन प्रूव. Now we will prove part two. कोई भी एक ले लो बेटे दोनों में से, चाहे आप ए सी डी ले लो चाहे ए बी सी ले लो, दैट इज अप टू यू.
इतना नोट डाउन हो गया, इरेज कर दूं ऊपर वाला पार्ट. नाउ इन ट्राइंगल एबीसी वी नीड नॉट, पैरेललोग्राम हमें गिवन है तो डायगोनल बाइसेक्ट दैट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. वी विल सिंपली राइट डाउन दैट इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस. हां जी, देखो व्हेनेवर वी आर हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, इट मे बी अ रोम्बस, इट मे बी अ स्क्वायर. स्क्वायर जो है दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस व्हेन द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स इज 90 डिग्री. तो अगर हमने उसको रोम्बस प्रूव किया तो स्क्वायर का हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. रोम्बस प्रूव करने के बाद हम स्क्वायर प्रूव करते हैं, जबकि हमें रोम्बस यही प्रूव करना था तो आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है. सिंपली वी विल राइट डाउन. अब यहां से आगे आप लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड अबव. देयरफॉर एबी 2 के अपोजिट बीसी और 3 के अपोजिट एबी, sides opposite to equal angles are equal. Then write down, Bhavish, kya ho gaya? Since adjacent sides of a parallelogram are equal, so it is a rhombus. आपको पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. हमने दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल शो कर दी, इट मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल. एंड इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल द साइड्स इक्वल देन इट इज अ रोम्बस. जस्ट करण नोट डाउन हो गया बेटे? हां जी, रोम्बस में 90 नहीं होता, दैट इज अ स्क्वायर. अगर उन्होंने स्क्वायर कहा होता फिर हम प्रूव करते, ठीक है? किसमें? स्क्वायर में फिर वन एंगल हम 90 डिग्री शो कर देते. इफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 90 डिग्री देन इट इज अ स्क्वायर. उसमें फिर आपको कंडीशंस कुछ ना कुछ गिवन होंगी ना, अकॉर्डिंगली वी विल टेक. दो आप मतलब ट्राइंगल्स ले लोगे, जैसे कल ली थी हमने ए बी डी एंड ए बी सी, उसमें ए और बी इक्वल शो कर देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके एंड देन वी विल प्रोसीड. चलें आगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, शो दैट द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. अब हमें रोम्बस गिवन है, पहले वाले का ही कन्वर्स है. हमने प्रूव करना है कि डायगोनल जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. सेम फिगर, सेम एंगल्स, गिवन क्या लिखे? रोम्बस है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल. एंड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, सेकेंड के लिए वी विल राइट डाउन सिमिलरली, ठीक है? अब फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए अगेन सेम हम लेके चलेंगे, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 हम शो कर देंगे. अब देखो हमें ए बी सी डी रोम्बस गिवन है,
इट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो मैंने ट्राइंगल ले ली एबीसी, रोम्बस है तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑल्सो. सो ए बी सी डी हमने लिया, इसमें वी आर गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी. तो क्या आएगा, इफ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो टू और थ्री क्या हो गए, इक्वल हो गए. अब रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो वन और थ्री इक्वल हो गए, यानी कि वन टू थ्री इक्वल हो गए. सेम वे में क्योंकि इस ट्राइंगल में वन और फोर इक्वल होंगे क्योंकि साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो चारों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल. चारों एंगल्स इक्वल हो गए मींस वन इज इक्वल टू टू, तो ए सी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए. थ्री इज इक्वल टू फोर, यानी कि ए सी इज बाइसेक्टिंग एंगल सी. सिमिलरली बी डी इज बाइसेक्टिंग एंगल बी एंड डी. तो कुछ इसमें मुश्किल नहीं था, सिंपली हमने ये वाला कंसेप्ट लगाया कि इसकी साइड्स इक्वल वाला. यहां से साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए. एंड रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो एंगल वन और थ्री इक्वल, टू और फोर इक्वल, चारों एंगल्स इक्वल. चारों एंगल्स इक्वल मींस ए सी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. क्लियर. अब इसको हमने लिखना है प्रूफ. कौन सा ट्राइंगल ले पहले, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बी इज इक्वल टू बी सी. साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर ए बी के अपोजिट एंगल थ्री, बी सी के अपोजिट एंगल टू. एंगल थ्री इज, हाँ जी दे दो बेटा. एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू. एंगल थ्री और टू आपके क्या हो गए, इक्वल. रीजन आ जाएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, अप टू दिस पॉइंट इट्स क्लियर. सिमिलरली एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, यहां लिख दूं. एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, गिवन और टू प्रूव लिख दिया, इरेज कर दूं. इतना नोट डाउन करो जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. यहां तक हो गया नोट डाउन, एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर. अब हम लेंगे रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, सो एंगल वन इज इक्वल टू, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेवन. रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. मुझे ना इधर से बोलने की आवाज आ रही है, क्या हो गया, इसको रखो. देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और जो ये आपका ये दोनों आए हैं इनको इक्वेशन वन एंड टू ले लो. लेट दिस बी थ्री एंड फोर. सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री फोर, this implies AC bisects angle A as well as angle C.
एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. सिमिलरली बस नीचे आप लिख दोगे बी डी बाइसेक्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. हेंस प्रूव लास्ट में लिख दोगे हेंस प्रूव. आपके चार्ट्स क्यों कवर किए हैं? पेपर है यहाँ पे. लास्ट वाला वो ठीक कर देना. हाँ जी एज सच नो इन्फॉर्मेशन. कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है. एवरी टाइम इट्स लाइक दिस ओनली. हाँ जी इज इट डन. ऑब्जेक्टिव टर्म वन इज ऑब्जेक्टिव. चले नेक्स्ट पे. इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे सभी सॉल्यूशंस आपको सिमिलर लग रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दीज सॉल्यूशंस. सभी अगर प्रॉपर्टीज क्लियर हैं आपको सभी क्वाड्रिलेटरल्स की तो यू कैन इजीली सॉल्व देम आउट. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 वी आर हैविंग एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. शो दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. स्क्वायर शो करना है क्या? दैट इट इज अ स्क्वायर ना तो स्क्वायर बनाओगे आप. जो भी आपको क्वाड्रिलेटरल शो करना है आप वही फिगर बनाओगे. यहाँ पे यू आर टू शो यू आर गिवन दैट इट इज अ रेक्टेंगल एंड यू आर टू शो दैट इट इज अ स्क्वायर तो आप स्क्वायर की फिगर बनाओगे. क्या कमेंट्री चल रही है? सीधे होके बैठो सीधे हो बिल्कुल. इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. तो एंगल वन और टू इक्वल थ्री एंड फोर इक्वल. हाँ जी ऑल्टरनेट नहीं ये गिवन है. ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी गिवन है. तो वन इक्वल टू टू एंड थ्री इक्वल टू फोर. रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. तो एंगल वन और थ्री इक्वल टू और फोर इक्वल. चारों एंगल्स इक्वल फिर वो तो है ही है. हमने एडजेसेंट साइड्स इक्वल शो करनी है. एबीसी ट्राइंगल ले लोगे उसमें एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. एंड इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर. पार्ट वन प्रूव हो गया. किसमें कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत ही नहीं है बेटे. आपको पता है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल bisects it into two congruent triangles. Direct property. Congruency की जरूरत ही नहीं है हमें. वो भी ठीक है. हाँ जी given बताइए. I hope अब आपको लिखना आ रहा है कि कैसे लिखना है. सेकेंड क्या कंडीशन गिवन है? ए सी बाइसेक्ट्स एनी अदर गिवन कंडीशन टू प्रूव. बेटे अश्मित म्यूट कर लो अपने आप को.
सेकेंड कंडीशन बी डी बायसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल कर सकते हैं, कर दो यहाँ पे, दैट इज एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड थ्री इज इक्वल टू फोर। क्या लिखें? पहले प्रूफ करना पड़ेगा ना, एंगल टू इक्वल टू थ्री प्रूफ करोगे पहले। ये गिवन है, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, या सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल, जैसे मर्जी कर लो। Therefore, angle 1 is equal to angle 3 and 2 is equal to 4. Alternate interior angles. चारों equations को नेम दे दो. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Again, same way में from equations 1, 2, 3, 4. Angle 1 equal to 2 equal to 3 equal to 4. गिवन कर रही हूँ, गिवन नहीं हुआ, बस गिवन इरेज कर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 अब अगेन सेम वे में इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 सो ए बी इज इक्वल टू बी सी। टू प्रूव इरेज कर दू, बातें नहीं बेटा, पूर्वी हो गया नोट डाउन। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, फिर सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल सो इट इज अ स्क्वायर। बोलने की जरूरत है? ये पार्ट वन प्रूव हो गया आपका। अब सेकेंड पार्ट में वी आर टू प्रूव दैट बी डी बायसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। किसमें? रेक्टेंगल में ऑलरेडी 90 डिग्री होते हैं ना, दैट्स व्हाई। ये बस यहाँ लिखेंगे, ये प्रॉपर्टीज वैसे हमें पता होनी चाहिए, आप अगर मतलब करना चाहते हो तो लिख सकते हो, वो फिर रिकॉल हो जाता है जब आप इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो। हांजी क्या हो गया? डन
अब क्या करें बी डी बाय सेक्स एंगल बी एज वेल एज डी के लिए सिमिलरली कैसे? हम ऑलरेडी ऊपर ये शो कर चुके हैं, हम सीधा रिजल्ट उठाएंगे डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाय सेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, हम यहाँ सीधा ये लिखेंगे. वी नो दैट डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाय सेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स, देयर फोर बी डी बाय सेक्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. अब इसमें हमने बाकी कुछ प्रूव करके नहीं दिखाना है. ठीक है, बी डी बाय सेक्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. जहां पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये आता है वहां शो करना पड़ेगा. जहां हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं प्रूफ, वहां आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो. अगर ये क्वेश्चन सिंपली इतना ही होता कि बी डी बाय सेक्स, फिर आप डायरेक्ट रिजल्ट ना यूज करके उसको शो करते. हाँ जी, अब हमने उसको स्क्वायर शो कर दिया तो वी हैव यूज्ड द रिजल्ट डायरेक्टली. इज इट डन? एनी डाउट्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन. इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू टेकन ऑन डायगनल बी डी सच दैट DP is equal to BQ. हमें गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी और डायगनल ए सी पे दो पॉइंट्स P और Q हमें इस तरीके से गिवन है कि DP जो है दैट इज इक्वल टू बी क्यू. तो आप एक पैरेललोग्राम बना लेंगे ए बी सी डी. बुक में फिगर गिवन है तो यू विल फॉलो दैट ओनली. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. डायगनल बी डी पे पी एंड क्यू पॉइंट्स गिवन है, नॉट ऑन ए सी. तो ये पॉइंट्स आपके इस तरीके से गिवन है सो दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू. गिवन क्या क्या गिवन है बताइए. यहीं पे साथ में डायगनल आ गया. ठीक है, क्वेश्चन में से ही हमने गिवन उठा लिया. एनी अदर थिंग? अब टू प्रूफ में जो आपको गिवन है वो सारा 5 पॉइंट्स है. 5 के 5 आप एज इट इज लिख लीजिए. ए पी डी सी क्यू बी पांचों पॉइंट्स बुक में से एज इट इज कॉपी कर लो. आई एम नॉट राइटिंग. आपने ऐसे लाइंस नहीं मारनी. नोट डाउन फ्रॉम द बुक. राइट डाउन ऑल द 5 पॉइंट्स ऑफ टू प्रूफ फ्रॉम बुक. वैभव जी काम हो गया? फिर इधर बोर्ड पे देखो, अदरवाइज बुक में देखो. राइट डाउन ऑल द 5 पॉइंट्स फ्रॉम योर बुक. Now the first one we are given APD. This is your APD. And the second one is CQB. Now this is a parallelogram given. So it means AD is parallel to BC and BD is a
ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल आपका इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन क्लियर। दोबारा देखो, बीसी और एडी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, बीडी ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको वन ले लिया, इसको टू ले लिया, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। और कुछ गिवन है साथ में हमें, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, एंड द थर्ड वन ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट। इसको मैं अभी सिर्फ समझा रही हूँ, बिकॉज वी आर हैविंग टू थ्री मिनट्स मोर। हाँ जी, ओपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट में वो हमें क्या कह रहे हैं, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, तो बाय सी पी सी टी हो गया ये, देन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी, ए क्यू पी ये वाली एंड सी क्यू ए क्यू बी एंड सी पी डी। इसमें अगेन ये और ये इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, तो अगेन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। फोर्थ पार्ट सीपीसीटी से हो जाएगा। फिफ्थ वाले में वो क्या कह रहे हैं, एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, हमने ये वाली साइड इसके इक्वल शो कर दी बाय सीपीसीटी, ये वाली साइड इसके इक्वल शो कर दी, एंड इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो प्रूफ जो इसका रिटर्न है दैट वी विल डू टुमारो। इफ एनी डाउट इज देयर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस ले लो बेटे आके, यू कैन आस्क इफ एनी डाउट इज देयर।